Welcome to Splendid Mom. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. हेलो मॉमीज, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को आप AMM, ISEs, AREER का यूसेज कैसे सिखा सकती हैं, कैसे सेंटेंस में कहां पे एम लिखना है, ईज लिखना है, आर लिखना है, ये उनको याद दिला सकती हैं। सो ये है चार्ट रिलेटेड टू लिंकिंग वर्ब्स। इस AMM, ISEs, AREER को हम लिंकिंग वर्ब्स या टू बी वर्ब्स कहते हैं, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब जाता है ये इस चार्ट में है। इस तरह का चार्ट आप घर पे लगाइए या बुक में बच्चे को लगा के दीजिए, और याद रखने के लिए कहिए कि आई के साथ हमेशा एम जाता है, ही के साथ आई एस ईज जाता है, शी इट के साथ भी आई एस ईज ही जाता है, और सिंगुलर नाउन जैसे कि कैट, टेबल, बॉक्स, सो सिंगुलर नाउन के साथ आई एस ईज हमें लिखना होता है, और इसी तरह से वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ ए आर ई आर जाता है। प्लूरल नाउन यानी कैट्स, साइकिल्स, टेबल्स, इस तरह से प्लूरल नाउन के साथ ए आर ई आर जाता है। सो इस तरह का चार्ट आप बना के दीजिए, और बच्चे से को याद रखने के लिए कहिए कि आई के साथ एम जाता है, ही शी इट के साथ ईज जाता है, और वी यू दे के साथ ए आर ई आर जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करवाना चाहती है तो आप इनिशियली इस तरह का टेबुलर फॉर्म बना के दीजिए जहां पे बच्चे को देख के लिखना है। ज्वाइन द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, से देम अलाउड, पढ़ने के लिए कहिए, जितना वो पढ़ेंगे उनको याद रहेगा। आई एम हंग्री, यू आर हंग्री, वी आर हंग्री, लिखने के लिए कहिए, देख कर लिखने के लिए कहिए, दे आर हंग्री, कैट्स आर हंग्री। सो ये है प्लूरल नाउन, कैट्स आर हंग्री। इसी तरह से He is hungry, she is hungry, it is hungry, ईशान is hungry, singular noun, एक लड़के का नाम है ईशान, ईशान is hungry। इस तरह से sentences उनको लिखने के लिए कहिए। एक और tabular form आप यहां देख सकती हैं। I am sleeping, you are sleeping, इसी तरह से she is sleeping, dad is sleeping, देख के लिखने के लिए कहिए। देख के लिखने से उनकी प्रैक्टिस भी होगी और लिखने से उनको सेंटेंस फॉर्मेशन याद भी रहेगा। इसके बाद दूसरा वर्कशीट जहां पे आप उनको प्रैक्टिस करवा सकती हैं, इस तरह से यहाँ पे आप ऑप्शंस दीजिए AMM, ISEs, AREER का, जिसमें बच्चे को चूज करना है। सब्जेक्ट है यहाँ पर आई और इन्फॉर्मेशन है प्लेइंग, सो आई एम प्लेइंग, आई इज प्लेइंग, आई आर प्लेइंग। तो बच्चे को याद रखना होगा कि आई के साथ हमेशा एम जाता है, तो यहाँ पे एम वो सर्कल करेगा। यू am playing, you is playing, you are playing, so you are playing। बच्चे को अगर ये टेबुलर फॉर्म याद होगा या ये चार्ट उसे याद रहेगा तो उसको ये भी याद रहेगा कि यू के साथ आर जाता है, इसीलिए यू आर प्लेइंग। वी के साथ भी आर जाता है, सो वी आर प्लेइंग, इस तरह से उसको सर्कल करना है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, इट इज ईटिंग, बर्ड्स आर ईटिंग, बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, सो ए आर ई आर, बर्ड्स आर ईटिंग। कैट इज ईटिंग, कैट यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सो इज, इट इज प्लेइंग, इस तरह से चूज करने के लिए कहिए। इस तरह से अच्छे से उनकी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद जब बच्चे को टेबुलर फॉर्म अच्छे से याद हो जाए, आप सेंटेंसेस दीजिए विद ब्लैंक्स, जहां पे उनको चूज करना है AMM, AREER और ISEs में उनको कौन सा यहाँ पे लिखना है। सिंपल सेंटेंसेस स्टार्ट करिए ताकि बच्चा सेंटेंस को समझे और अपने आप करेक्ट फॉर्मेशन, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बनाए। आई एम जयान, जयान मेरे बेटे का नाम है, आई एम जयान, आई एम अ बॉय, I am 5 year old। इसी तरह से she is my sister, she is happy, we are two brothers, he is Arham। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के साथ दो दो तीन तीन सेंटेंसेस दीजिए। My mother is a teacher, mother यहाँ पे noun है, singular noun है, so is यहाँ पे लिखेंगे हम। My mother is a teacher, my father is an engineer। इसी तरह से we are a happy family, we के साथ हमेशा आर लिखना होता है। उसके बाद it is raining, you are my friend, blank में आर उनको लिखना है। इस तरह से they are on the bus।
यू आर टॉल, इट इज ब्राउन, ही इज स्मॉल. कैट यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, कैट इज हंग्री. चॉकलेट्स आर स्वीट, चॉकलेट्स प्लूरल नाउन है, सो एस यहाँ पे लिखा है, चॉकलेट्स आर स्वीट. शी इज सरप्राइज्ड, वी आर यंग. इस तरह सिंपल सेंटेंस से आप स्टार्ट करिए, बच्चे को लिखने में आसानी होगी. बाद में जो उनकी वर्कबुक में या नोटबुक में सेंटेंस उनको दिए गए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करवाइए. अगर बच्चे को टैबलर फॉर्म अच्छे से याद हो जाएगा तो उसको याद रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा टू बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब उनको लिखना है. आई के साथ एम, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आई एस इज, और वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ ए आर ई आर. इस तरह से अगर आप उनको चार्ट बना के देंगी या एक्सप्लेन करेंगी तो उनको अच्छी तरह से याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, एग्जाम्स में भी वो अच्छा करेंगे विदाउट मिस्टेक्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.